अमिताभ बच्चन सदी के महानायक कहला जाते हैं और हर कोई उनका नाम अदब से लेता है। ये कहीं पर भी पहुंच जाते हैं तो इनका बहुत ज्यादा आदर सम्मान भी होता है। लेकिन सबके बावजूद अमिताभ बच्चन को ट्रोल करते हुए लोगों ने क्यों कहा कि आप प्लीज क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मत देखना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी और भारत अब फाइनल में जगह बना लिया हुआ है। भारत की इस जीत को पूरे देश ने सेलिब्रेट किया और इस खास मौके पर बॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं हटे और भारतीय टीम को उन्होंने जमकर बधाइयां दी। भारत और न्यूजीलैंड का मैच देखने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स स्टेडियम में पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर इन स्टार्स की फोटोज और वीडियो भी सामने है जिसमें स्टार्स स्टेडियम में झूमते हुए नजर आए। भारत के सेमीफाइनल जीतने के बाद स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई भी दी और इसी बीच के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी भारत और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मैच को लेकर ट्वीट किया और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए चलिए जानते हैं कि अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्या ट्वीट किया था जिसके बाद लोग उन पर भड़क गए। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को हुए सेमीफाइनल मैच में काफी रोमांच रहा। भारत इस मैच में विजयी रहा और बॉलीवुड सेलिब्रिटियों ने भारत को जीत पर बधाई भी दी। अमिताभ बच्चन का भी ट्वीट आया और अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा, जब मैं मैच नहीं देखता हूं हम जीतते हैं। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और वर्ल्ड कप फाइनल ना देखने की सलाह दे डाली। एक यूजर इस पर लिखता है कि फाइनल भी मत देखना, आपको आपके बाबूजी की कसम है। एक यूजर ने लिखा, प्लीज फाइनल को स्किप कर देना। एक यूजर लिखता है, अगर फाइनल देखा तो उस दिन से केबीसी नहीं देखेंगे। हालांकि अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट ने ऐसा तूल पकड़ा कि सोशल मीडिया पर हंगामा देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने सरेआम ही अमिताभ बच्चन को हिदायत दे दी कि आप भारत का फाइनल मैच मत देखना। तो दूसरी ओर साउथ के जाने माने सुपरस्टारों में से एक रजनीकांत का भी एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 19 नवंबर को होने वाले मैच को देखने के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसी कड़ी में अब फाइनल मैच होने से पहले ही रजनीकांत ने विनर को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी। रजनीकांत ने एजेंसी पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि पहले तो मुझे घबराहट महसूस हुई, बाद में जब विकेट गिरते रहे तो सब ठीक हो गया। उस 1.5 घंटे के दौरान मैं काफी घबराया हुआ था, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि विश्व कप हमारा ही होगा।